अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं MHD सलीम उस्ताद आज फिर एक मुद्दा लेके आया हूँ आपके सामने। जो हमारे कबूतर सीजन में बाजू हैंड होने लगते हैं, भाई हम पुरेज खिला के तैयार करते हैं कबूतरों को, और जब उड़ने का वक्त आता है या तो वो बाजू मारने लगते हैं या फिर उनको दाना लगने लगता है, मतलब उनके पोटे में दाना रह जाता है, बदहजमी हो जाती है, और कुछ कबूतर हवा में आने लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्या करें जो वो सब चीज़ों से, सब मुश्किल परेशानियों से कबूतर दूर हो जाए? जो अगर बाजू मान रहा है तो उसे कैसे ठीक करें? जो बदहजमी, जिसे पोटा लग गया है तो उसकी बदहजमी कैसे दूर करें, और जो हवा में आ गया है तो उसको कैसे ठीक करें? तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक ऐसा फार्मूला जो आप अगर बना के रख लेंगे दोस्तों, तो वो आपके लिए, आपके कबूतरों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है चीज़। तो दोस्तों, ऐसी चीज़ लाया हूँ, देखिए आप। तो दोस्तों, ये जो चीज़ है, ये दोस्तों ऐसी चीज़ है, जब आप अपने दोस्तों तो उसकी बाजू भी ठीक हो जाएगी, और जो दाना लगा हुआ है, बदहजमी हुई भी है, वो बदहजमी भी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसे बनेगा और इसकी गोली कैसे दी जाएगी, सब तरीका आपको बताऊंगा मैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपने पहले करना क्या है, पहले आपने लहसुन लेना है, लहसुन है दोस्तों, ये 10 ग्राम लेना है आपने। ये आपने कोशिश करनी है, पोथिया लहसुन बोलते हैं, बड़े बड़े जवे होते हैं इसके, ये आपने 10 ग्राम लेना है, ठीक है दोस्तों। अब अगली चीज़ आपने 10 ग्राम लेनी है, ये इसे बोलते हैं जिंजर, अदरक भी बोलते हैं इसे, तो ये अदरक भी आपने ताज़ी लेनी है दोस्तों। लहसुन आपने 10 ग्राम छील के, और को छोटे छोटे पीस काट के आपने करना क्या है, ऐसे कूट लेना है। अब ये मैंने दोनों चीज़ लेके इसे मैंने कूट लिया है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने माल कंगनी डालनी है 5 ग्राम, सपोज करिए ये 5 ग्राम है एग्जाम्पल के तौर पे। ये मैंने आप 5 ग्राम डाल दी, और 5 ग्राम हमने डालना है ये भैंसा कुकर। अब आपने करना क्या है, इसको कूट लेना है। अच्छी तरह से कूटना है दोस्तों। क्योंकि कूटने के बाद दोस्तों इसको आपने सुखा लेना है। ये सारा सामान देख लीजिए। तो अब हमने क्या करा है, हमने भैंसा कुकर लिया है 5 ग्राम, और माल कंगनी लिए हमने 5 ग्राम। तो दोस्तों, दाना ला लगे कबूतर को, हवा में ना आए, बाजू ना माने, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों हमने अच्छी तरह। देखिए दोस्तों, ये अभी और बारीक पीसेगा, लेकिन मैं फिलहाल आपको बता देता हूँ, इसको और बारीक पीस के आपने धूप में सुखाना है, धूप में सुखाना है बहुत ही बारीक पीस के। ये 4 सामान हमने लिए, हमने 10 ग्राम लहसुन लिया,
10 ग्राम हमने अदरक ली, 5 ग्राम हमने मालकंगनी ली, 5 ग्राम हमने भैंसा का गुग्गल लिया, भैंसा गुग्गल है। तो दोस्तों हमारे, अब आपने करना क्या है, इन चारों सामानों को अच्छी तरह पीस के, बहुत ज़्यादा इनको बिल्कुल धूप में सुखाने के लिए रख लेना है। अब हम अगले स्टेप पे आएंगे। अब अगला स्टेप हमारा यह है, आप ये देखिए, ये चारों चीज़ें हमने पीस के सुखा रखी है, धूप में अच्छी तरह सुखा लेनी है दोस्तों, क्योंकि ये जो मौसम चल रहा है इसमें फफूंद आ जाती है, अगर आप इसे सुखाएंगे नहीं इसमें फफूंद आ सकती है। तो दोस्तों ये हमारी चार चीज़ें हो गई आपके सामने, अब ये चार चीज़ें हमने इसमें डाल दी है दोस्तों। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना क्या है दोस्तों, आपने 5 ग्राम, ये देखिए अमलताश बोलते हैं इसे, अमलताश बोलते हैं इसे, इसका वजन क्वांटिटी आपने जो लेनी है वो 5 ग्राम लेनी है, 5 ग्राम इसको लेनी है। और अब आ जाइए नेक्स्ट सामान पे दोस्तों, ये है हमारी सूखी हुई लाल मिर्च। तो हमने करना क्या है, इसे फाड़ना है, और इसके अंदर जो बीज होते हैं, ये बीज मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये बीज आपने 3 ग्राम लेने हैं, 5 ग्राम, 3 ग्राम। अब आ जाइए नेक्स्ट सामान पे, आपने लेना है 5 ग्राम। दोस्तों ये जीरा है हमारा, ये भी आपने 5 ग्राम लेना है, दोस्तों ये छोटी हड़ है, आप इसे अच्छी तरह जानते हैं, जो कबूतरबाजी करते हैं वो जानते हैं इसे, ये छोटी हड़ है, ये भी 5 ग्राम लेनी है आपने। दोस्तों ये काली मिर्च, ये भी आपने 5 ग्राम लेनी है। आपने ये सारे सामान, चार चीज़ें तो आपने पहले ली, 10 ग्राम लहसुन, 10 ग्राम अदरक, 5 ग्राम मालकंगनी, 5 ग्राम भैंसा गुग्गल, आपने ये चारों चीज़ें पीस ली, पीसने के बाद सुखाने के बाद ये हो गया सामान। दोस्तों फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये अच्छी तरह सूखा पा होना चाहिए। अब हमने जो आपको ये क्वांटिटी बताई है, छोटी हड़ की, काली मिर्च की, अमलताश की और लाल मिर्च के बीज की, तो दोस्तों ये सारा 5-5 ग्राम ये चीज़ है, आपने ये इसमें मिला देनी है। दोस्तों अब ये हमने सारे सामान अच्छी तरह मिला लेने हैं। अब इसकी क्वांटिटी मैं आपको एक बार फिर बताऊंगा भी। अब देखिए ये सारे सामान मिल गए हैं, दोस्तों आपसे मैं उस्ताद सलीम आपके लिए कोई ना कोई वीडियो बनाता रहूँगा जिससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको जो भी फ़ायदा होगा, जिस भी चीज़ से फ़ायदा होगा, आप कमेंट्स में बोलिए कि हाँ उस्ताद जी मुझे ये चीज़ पूछनी है, तो जिसके ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो मैं उस हिसाब से वीडियो बनाऊँगा जो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएगी। दोस्तों आप हरकत करोगे तो इंशाल्लाह बरकत होगी। और देखिए दोस्तों कितने लोगों ने, अभी मैंने वीडियो डाली है खुलत की गोली की, कितने लोगों ने अनलाइक भी करा मुझे,
लोग बाग नहीं चाहते कि मैं ऐसी चीज़ें डालूं, लेकिन फिर भी मैं आपकी मदद के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें डालूंगा, क्योंकि दोस्तों ज्ञान जो मेरे पे है वो मैं बांटूंगा तो ऊपर वाला मेरा ज्ञान और बढ़ाएगा। ये चीज़ें मेरे पे पड़ी हुई हैं, तो दोस्तों आप इससे आप फ़ायदा उठाइए। देखिए मैं ज्ञान बांटने के लिए कर रहा हूँ, अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, उन लोगों के मुंह पे तमाचा होगा जो मुझे अनलाइक कर रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। कोई भी वीडियो ज़्यादातर मेरी कोशिश होगी सैटरडे को डालूं या संडे को डालूं, तो दोस्तों अगली वीडियो में भी आपको मैं उड़ाने का तरीका बताऊँगा, कैसे आपको कबूतर खड़ा करना है, क्या करना है। तो दोस्तों फ़िलहाल अभी के लिए ये गोली देखिए मैं कैसे बनाता हूँ। देखिए दोस्तों ये हमने मिला चुके हैं, अब करना क्या है, इसमें 30 ग्राम पुराना गुड़ लेना है, 30 ग्राम पुराना गुड़। तो दोस्तों अभी इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको गोली बना के दिखा देता हूँ कैसे गोली बनेगी। इसमें से थोड़ा सा मैं निकाल रहा हूँ, क्योंकि फ़िलहाल तो मैंने गोली बना तो रखी है, लेकिन दोस्तों आपको दिखाना ज़रूरी है कैसे बनती है गोली, क्योंकि आप बना सकते हो फिर। आपने करना क्या है, पुराना गुड़ इसमें डालना है और दोस्तों उसको अच्छी तरह से भूनना है। आप जितनी अच्छी तरह से इसको पीटेंगे दोस्तों और थोड़ा रगड़ते भी जाइए, क्योंकि ये अच्छी तरह शेक होगा तो मिलेंगी ये सब चीज़ें। आपने 30 ग्राम पुराना गुड़ डालना है, जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है दोस्तों। ये कबूतर को जो बदहजमी हो जाती है ये उसको भी दूर करेगी। देखिए दोस्तों ये गोली हो गई तैयार। आपने करना क्या है, ये गोली बाजू हैंड को देनी है, अगर जो बाजू मान रहा है उसको एक गोली देनी है दाना खिला के। और आपने करना क्या है, फिर आधी डेक्सोना की गोली देनी है, डेक्सोना अच्छी तरह देख लीजिए, क्योंकि डेक्सोना ऐसी गोली है कोई भी हम देते हैं उसकी पावर को बढ़ा देती है। ये जल्दी उसे ठीक करने के लिए कारगर होती है। ये दोनों चीज़ें जब आप देंगे बाजू हैंड के लिए तो दोस्तों बहुत अच्छा काम करेंगी। आप खुद फ़र्क देखेंगे अपने कबूतरों में कि वो कैसे उड़ने लगा। अब आ जाइए दोस्तों, जिनको बदहजमी होती है तो आपको करना क्या है, जो कबूतर के दाना लगा हुआ है उसको पहले उबलवा दें, और आपने एक से दो घंटे आपने कबूतरों को जो दाना देना है वो भिगो के देना है, क्योंकि देखिए दोस्तों लीवर कमज़ोरी के कारण हजम भी नहीं होता फिर, तो आपने कोशिश करनी है भिगो के देंगे तो वो जल्दी हजम होगा। और आपने ये देखना है, अगर वो एक गोली से हजम ना कर रहा हो तो आपने दो गोली भी दे सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको तीसरा बताता हूँ मैं, जो कबूतर हवा में आ रहे होते हैं गर्दन टेढ़ी हो जाती है, तो उनकी गर्दन कैसे ठीक करी जाए। दोस्तों यही गोली काम करेगी उसमें भी। आपने करना क्या है, भरपेट दाना खिलाना है, और आपने ये दो गोली के बराबर आपने उसको गोली देनी है। ये देखिए भरपेट दाना खिला के आप
दे देना उसे, आपने ये गोली देनी है दाना खिलाने के बाद। और आपने शाम को क्या करना है दोस्तों, ये इवियन 400 का कैप्सूल है, शाम को एक कैप्सूल देना है। और आपने एक बादाम देना है, मुंह से चबा के बादाम अच्छी तरह जानते हैं। आपने एक इवियन का कैप्सूल और ये गोली शाम को देनी है, इवियन का कैप्सूल शाम को और एक बादाम पानी पिला के। आपने गोली दी, आप उसे भरपेट दाना खिला के धूप में छोड़ देंगे, ठीक है। अब शाम को आपने करना क्या, उसको फिर दाना खिलाना है और फिर आपने एक इवियन का कैप्सूल 400 mg और एक बादाम को खिला देना है दोस्तों, फर्क देखेंगे। तो दोस्तों मेरी कोशिश है आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहना, तो दोस्तों मेरा हौसला बढ़ाएं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि मैं वीडियो बनाऊं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, मैं तो खाली मदद के लिए आपके लिए ये ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। तो दोस्तों फिर एक बार आप सुन लीजिए क्वांटिटी, आप कहीं भूल ना जाए। 10 ग्राम आपने लहसुन लेना है जो छील लेना है, 10 ग्राम अदरक, 5 ग्राम मालकंगनी, 5 ग्राम भैंसा कुक्कल, इन चीज़ों को लेके पहले कूट लेना है। कूटने के बाद आपने करना क्या है, 3 ग्राम लाल मिर्च के बीज और 5 ग्राम अमलतास, तो 5 ग्राम अमलतास, 3 ग्राम लाल मिर्च के बीज, ठीक है दोस्तों। दो सामान तो ये हो गए, ये हमने अलग लेने हैं। तीसरा सामान हो गया जीरा 5 ग्राम, चौथा सामान हो गया 5 ग्राम काली वाली हड़, पांचवा सामान हो गया काली मिर्च जो आप ने 5 ग्राम ले ली है। तो दोस्तों छठा सामान हो गया लास्ट में, आपने पुराना गुड़ लेना है, गुड़ अच्छी तरह से जानते हैं सब, नया गुड़ नहीं लेना, आपने पुराना लेना है, पुराना बेहतर काम करता है। तो दोस्तों ने ये अदरक वगैरह लेके, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, मालकंगनी, भैंसा गुग्गल, इनको पीस के, अच्छी तरह पीस के, कूट के एक प्लेट में करके धूप में रख देना है, एक प्लेट में करके धूप में रख देना है, जब तक ये सूखे ना, इसमें हाथ मारते रहना। जब ये सूख के बिल्कुल आपको लगेगा इसमें नमी ख़त्म हो गई है, तो आपने नेक्स्ट ये सारे सामान पीस के इसमें मिला देने हैं और फिर पुराना गुड़ लेके उसे कूट लेना है। आपको अभी मैंने दिखाया था, देख लीजिए, ये बहुत अच्छा बना सकते हैं दोस्तों। तो आपके लिए दोस्तों ऐसी मैं नई नई वीडियो बनाता रहूँगा। देखिए दोस्तों गोली ये 3 चीज़ों में काम आएगी दोस्तों, बदहजमी के लिए, बाजू मारने के लिए, मैंने आपको बताया बाजू के साथ इसे डेक्सोना की गोली देनी है आदि, और हवा के लिए इवियन का कैप्सूल और बादाम। तो दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी ऐसी नई नई वीडियो बनाता रहूँगा। तो दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे लोग बाग फ़ायदा उठाएं। तो आपके लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे, अल्लाह हाफिज़।